हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम योर बुक एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट हियर। सो हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के सॉल्यूशन। सो इट इज़ गिवन दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस of given quadratic equation is 40. So let consider the zeros b alpha and beta. So okay, and given here sum of squares of zeros is alpha square plus beta square is equal to 40. Let consider equation number 1. Also quadratic polynomials kya de rakha hai, f(x) is equal to x square minus 8x plus k. Then I told you on comparing the given polynomial by its general form ax square plus bx, actually ye ax square plus bx plus c ye quadratic equation ki general form hoti hai, then we will get a is equal to 1, ye comparison karenge, b is equal to minus 8, c is equal to k, then as we know that the product of zeros alpha beta is equal to c upon a, so c we have value of c k upon 1 is equal to alpha multiply beta is equal to k. Let consider equation number 2. Likewise, sum of zeros alpha plus beta, we know that is equal to minus b upon a. So here the value of b is equal to minus 8. So minus minus plus ho jayega, so is equal to 8. Let consider the equation 3rd. So let's move next step. Now by squaring, ye third equation ko apan square kar denge, both side. Okay. So alpha plus beta square is equal to 8 स्क्वायर implies अल्फा, जब इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 64। नाउ हमारे पास ये, अब देखो कि जो इसको लेट कंसिडर इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी गेट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने 40 लिख दिया प्लस 2 मल्टीप्लाई, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k है फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू 64। अब यहाँ प्लस का है 40, तो उधर जाके इक्वल आफ्टर द इक्वल इट बिकम्स नेगेटिव, सो 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 64 में से 40 गए तो 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, देन 2k इज इक्वल टू 24। अब 2k 2 हियर 2 इज मल्टीप्लाई बिफोर द इक्वल, सो आफ्टर द इक्वल इट विल बिकम डिवाइड, फिर 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। दस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी k की कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। सो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।